हु इज़ मे बी फ्राम वियटनाम योर बॉस इज़ फ्रॉम सिंगापुर तो वो कम्यूनिकेशन का स्टाइल आप जो सीखते हैं लोगों को इन्फ्लुंस का फ्रीडम तो ये है कि अगर मैं रोज़ उठ रहा हूँ मेरी फैमिली मेरे साथ है मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं मेरा जो इकनॉमिक निज़ाम है रोज़ी रोटी वो चल रही है

हासिल एक जर्नल लाइफ हासिल लेने में दट्स अ वेरी लोडेड क्वेश्चन वेरी वेरी लोडेड क्वेश्चन आई थिंक द हासिल वॉज ओके एंड अभी हासिल चल रही है लेकिन इट्स बिन आई थिंक लॉन्ग 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 हासिल यू नो सबकी इसी तरह की होती है एम पीटी श्योर तो लेकिन अभी आई वुड से कि वो हासिल अभी जो है ना सिर्फ एक परसेंट ही हुई है

Uh, अम्मी के साथ उनकी कुछ फ़नी मेमोरीज़ याद कर रहे थे ऑफ़ यू नो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें जो मैंने सीखी है वैन इट कम्स टू नेटवर्किंग वैन इट कम्स टू पिचिंग वैन इट कम्स टू बींग आउट देयर आई नेवर रियलाइज आई हैड एक्चुअली लर्न फ्राम माई डैड या आई हैड इनहेरिटेड लेकिन वो बाद में आपको फिर जो ना बैठते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक वो पूरा है इमोशनल प्रोसेस जिससे हम गुजर एज हैं फैमिली वो गुजर रहा है ओवरऑल यू नो काम है वर्क टेक के आपको पता ही हालात आप यू नो वर्ल्ड वाइड देख रही हैं टेक इज़ गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक यू नो डाउन टर्न वो चल रहा है अपनी हसल नेक्स्ट क्या होनी चाहिए वो एक सवाल है जो अभी चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा सो इवन दो आई एम लाइक मेंटली प्रेजेंट हियर देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग जो कि ऑडियंस के लिए बहुत जरूरी है इस वक्त सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं कि जो ट्रांजिशन है पिंडी से इस्लामाबाद से सिंगापुर uh, तक का um, ये कैसे था कैसे हुआ वे uh, so, so th you know, के मैं इसके बारे में सोच रहा था कि यार अच्छा जर्नी में क्या uh, जो है वो यू uh, नो you know, चीज़ें होती हैं जो होती हैं तो एक तो उसमें सबसे पहला जो कि कुछ लोगों को वियर्ड लगता है कुछ लोग सही कहते हैं मैं लक का पार्ट कहूँगा कि लक हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन वेर यू आर राइट नाउ मेरे साथ भी यू नो लक डेफिनेटली वॉज अ पार्ट लेकिन उसमें लक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसके पहले मैं एक वो लगा देता हूँ लव्स विच इज़ कॉल्ड मैनुफेक्चर्ड लक तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एट इन माई जर्नी मेरी जर्नी में वो जो मैनुफेक्चर्ड लक है वह थी कि मैं मुझे इवेंट्स कराने का शौक था लोगों से मिलने का शौक था तो अगर मैं आपको उस पर एकचुअल स्टोरी बताऊँ तो मेरे साथ हुआ ये था कि

तो so, so, उस जमाने में दिस दिस इज द नॉट द इनिशियल टाइम ऑफ एस सी ओ बट लाइक द मिडिल टाइम ऑफ एस सी ओ तो अभी जिस तरह कह रहे हैं ना सो so, हम क्या करते थे और ये अभी भी बाय द वे काम बहुत ज्यादा चलता है उसमें लोग क्या करते थे कि दे यूज टू पब्लिश कॉन्टेंट किसी भी एक यू नो चीज पे आपने कहा कि जी अच्छा आई फोन को कैसे अनलॉक करना है hmm. और वो जो कॉन्टेंट है उस पर आप लगाते थे एडवर्टाइजिंग

उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि यार अच्छा यू यू नो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी व्हाई डोंट यू गो विद अस एज अ वॉल्टियर एंड यू नो यू स्टार्ट टेलिंग मोर पीपल अबाउट इट तो हमने ये किया दो हजार से लेके 2012 हजार सोलह तक हमने जो है ना जाके इवेंट्स कराए फिर गूगल की कुछ कम्युनिटीज थी जिनको मैंने ज्वाइन किया गूगल डिवेलर ग्रुप्स विच आई फाउंडेड आई एम द फाउंडर फॉर गूगल डिवेल्पर ग्रुप इन इस्लामाबाद विच इज अगेन अ वॉल्टियर कम्युनिटी तो मैं उधर से आ गया वॉल्टियरंग में एंड अगेन गोइंग बैक टू दैट पॉइंट ऑफ मैनुफेक्चर्ड लक

बहुत हद तक स्टूडेंट्स भी और यंग प्रोफेशनल्स भी उसको इनकरेज hmm. नहीं कर रहे होते hmm. और उसको गलत भी समझ रहे होते हैं hmm. hmm. अगर अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर वी नीड सम रिटर्न समय अगर आप वॉल्टियर करेंगे तभी यूल टू एक्सप्रेस एंड बी एबल टू यू नो शो केज य स्किल्स और अपना Correct. अपना टैलेंट आप दिखा सकते okay. हैं कोई किसी को अपॉर्चुनिटी क्यों देगा यार अदरवाइजियरिंग इज लाइक अ फ्री टिकट फॉर विजिबिलिटी मैंने लाइक टेडेक्स टेडेक्स इस्लामाबाद आई एम वन ऑफ़ द फाउंडर्स बारह तेरह साल हमने चलाया hmm. uh, उसमें वॉल्टियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिली मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं टेड पे जाऊंगा यू नो पीपल लाइक बिल गेट्स ये बिल गेट्स ई मस्क मास्क में लास्ट ईयर भी सेशन पर था उसमें वो आया था फिर उसके अलावा वो क्या नाम है वो जो चाइना वाले जो अली uh, बाबा के फाउंडर हैं जैकमा यू नो है ऑपरचुनिटी टू मीट हिम एज़ वेल Uh, तो ये वो चीज़ें जो मुझे वॉल्टियरिंग से मिली सो आई वॉज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल शेपर जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम की कम्युनिटी है टेड एक्स अगे ग्लोबल कम्युनिटी एंड फिर जो गूगल तो सो इट इट्स मैनुफैक्चर्ड लक और फिर उसमें बाई इवेंचुअली हुआ कि गूगल वॉज वन जिसमें मुझे इवेंचुअली जो है ना जॉब मिल गई लेकिन बाकी सारे वॉल्टियर में आज तक बाई द वाय डू अ लॉर्ड वॉलेंटियर वर्क बिकॉज वॉलंटियर वर्क इज अ वे टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड टू बिल्ड योर कम्युनिटी एंड गेट टू नो कि और क्या चल रहा है वरना अगर आप सिर्फ उस पर बैठे रहेंगे कि यार इधर से मुझे पैसे लग रहे मिल रहे हैं मैंने यहाँ से काम करना yeah. है

फॉर एग्जाम्पल uh, मुझे वेबसाइट्स बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था तो मैं खुद भी बनाता था वॉज अ फ्रंट एंड डेवलपर इवन दो आई वॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेकिन मैंने वेबसाइट्स बना बना के वर्ड प्रेस में काम कर करके थोड़ा बहुत सीख लिया था प्लग इन कैसे बनाते हैं थीम कैसे बनाते हैं फ्रंट एंड का मुझे थोड़ा बहुत काम आ गया था तो वो वो टेक्निकल साइड है और uh, उससे मुझे ये हो गया कि यार अच्छा अगर मैं ये टेक्निकली खुद बना सकता हूँ तो आई कैन टॉक टू समन हूज टेक्निकल एज वेल तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी या किसी को यू नो वो करना है प्रोजेक्ट सेल करना है ये सारा कुछ और उसी में आई थिंक टेक्निकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज सेल्स स्किल आपने टेक्निकल सेल्स कैसे करनी यू नो हाउ डू यू गो एंड कन्विंस अ क्लाइंट मैंने बहुत ज़्यादा काम किया अपवर्क वगैरह पे भी बैक इन द डेज इन फैक्ट अपवर्क का भी एक प्रोग्राम था इट वॉज कॉल्ड मोबिलाइजर प्रोग्राम ऑफ द फर्स्ट मोबिलाइजर्स इन पाकिस्तान हम जाके इसी तरह कम्युनिटी इवेंट्स कराते थीके. थे तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन यू नो स्किल्स 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 हैं हैं जिनको लोग सॉफ्ट कहते मैं इनको टेक्निकल कहता हूं hmm. कि आपने जो है लोगों को कन्विंस करना है इन्फ्लुएंस करना है hmm. आपने किसी को मनाना है कि आप स्पॉन्सर करो सेल्स hmm. करनी है यू you नो know, ये सारी स्किल्स एंड एंड जर ने गूगल में हमें करवा के दिया सब टीम को टू फाइंड आर स्ट्रेंथ तो उसमें मेरी जो स्ट्रेंथ एक निकली है वो स्ट्रेटेजिक uh, थिंकिंग एक निकली थी की जी स्ट्रेटेजिकली देखना है क्यों करना है कैसे करना है आ, और बस क्या है परपज करेक्ट करेक्ट वेरी इम्पैक्ट ड्रिवन यू नो स्ट्रेटिजिक थिंकिंग तो वो एक काफ़ी ज़्यादा है जो मैं अभी भी रखता हूँ कि ऐसे ही नहीं बस कोई चीज़ कर देनी सोचना है कि इसका लॉन्ग टर्म मेरी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट होगा कम्युनिटी मेंबर्स कैसे इफेक्ट होंगे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगी स्ट्रेटिजिक थिंकिंग कमांडमेंट एक है या उसको कमांडिंग जो भी उसका अंग्रेजी का लफ्ज है कि यू नो लीडिंग विद विद एंड विदाउट अथॉरिटी तो जिधर मुझे अथॉरिटी मिलती है उधर भी मैं लीड कर सकता हूँ जिधर अथॉरिटी नहीं मिलती ये मैंने काफी खास तौर पे यंग लोगों में देखा है कि वो ना कहेंगे कि जी इधर तो मैं किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ मेरी तो अथॉरिटी नहीं है या मैं किस तरह काम करूं। लेकिन सारी जिंदगी यस सो मतलब yes, तो तो नहीं तो कैसे ये यही यही तो दिस इज समथिंग आई ओवर एंड दिन आर लाइक फ्रेमवर्क हैं कि यार अच्छा आप सीखते हैं इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं यहाँ पे मैंने यंग लोगों को बहुत कहते हुए सुना है कि जी मैं तो ये कैसे मैं कर सकता हूँ लर्न दीज स्किल्स

ये मेरा एक्सपीरियंस है द वे जो मैंने अभी तक देखा है या जिसके जो पार्टनर होता है क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट विद विद इट्स 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 लाइक टॉप डाउन एज एज वेल वेल हॉरिजॉन्टल पार्टनर्स के साथ ठीक हाँ, है तो वो ना दे आर नॉट गुड विद कम्युनिकेशन या पाकिस्तान में एक बहुत चैलेंज ये अभी तक देखा है पीपल आर नॉट गुड विद कम्युनिकेशन तो जब कम्युनिकेशन मिसिंग है जब आपको हफ्ते में पता ही नहीं लगा कि आपके रिपोर्टी uh, आपके पार्टनर ने क्या काम किया ना वो कोई आपको अपडेट्स भेज रहा है या ई मेल हाँ, ना कोई वो कर रहा है हाँ। तो आपने माइक्रो मैनेज ही करना है आप जाके उससे पूछेंगे भाई क्या किया मुझे दिखाओ और जो किया वो तुमने गलत डायरेक्शन सबसे बड़ा इशू ही होता है वो बच्चे यंग बच्चे लगे रहते हैं अपनी एक सिमत में हाँ, उनको लगता है वो ठीक है जबकि डायरेक्शन कम्स फ्रॉम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऊपर वाले ने आपको बताना है कि यार नहीं ये जो तुमने पूरा हफ्ता किया ये तुम गलत चीज़ पे काम कर रहे थे okay. तुमने काम करना था इस चीज पर उसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट जरूरी है बिकॉज यू हैव टू कंसिस्टेंटली टेल के नहीं ये डायरेक्शन सही नहीं है डायरेक्शन क्यों hmm. ये वाली है क्योंकि okay. ये इसका भी तो वो उसमें वो फिर इट्स अ थिन लाइन बहुत जरूरी है hmm. और ये सिर्फ मतलब पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड अनलेस यू आर वेरी गुड कम्युनिकेटर अगर आप कम्युनिकेटर अच्छे हैं फिर आपको लोग माइक्रो मैनेज ज्यादा नहीं करेंगे क्या Because, ये चल ये आप, uh. uh. आप गायब हो जाएंगे uh. हफ्ते के लिए दो हफ्ते के लिए और अगले को पता uh. नहीं होगा कि यार आप जो काम कर रहे हैं वो सही सिंट में जा रहा है मतलब पता लगे आप जा रहे हैं लाहौर आपने जो है ना वो पिशावर की तरफ आपने मोटरवे ली हुई है तो आपको बीच में बताना तो है ना कि पहले तो अपनी डायरेक्शन तो सही करो ना ये जो सारा किया ये ठीक है लेकिन अगर ये गोल हमारा ये था डायरेक्शन ये चाहिए थी तो आप क्या कर रहे हैं और उनको फिर आपने इतना जो ना ब्लंटली भी नहीं आप कह सकते आपको आराम आराम से उनको करना है मोटिवेट करना है उधर वो फ्रस्ट्रेट होती है यंग जनरेशन थोड़ा आ, कि यार ये क्यों कह कह रहे हैं? आ, कह रहे हैं भाई वो इसलिए डायरेक्शन तो वो विजन के साथ जो कनेक्शन है ना वो सेट करने में फिर माइक्रो मैनेजमेंट ऑब्वियसली जनरेशन पे आगे बात करेंगे mm -hmm. people who are, who aspire श्योर दैट्स दैट्स अ गुड क्वेश्चन क्योंकि ऑब्वियसली यू नो उसका एक यू नो गूगल का ब्रांड नेम भी है फिर वहां पे जो लाइक uh, like जिस तरह का वर्क कल्चर है यू हैव टू बी विजिबल क्योंकि गूगल में अगर तो uh, काफी लोग मुझे भी रीच आउट करते हैं और वो सारा कि जी अच्छा ये जॉब आई है मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ लेकिन गूगल में जब भी आपने अप्लाई करना है या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है नॉट जस्ट एट गूगल किसी भी बड़ी कंपनी के लिए आपने इधारे में जो है ना अप्लाई करना है तो दे आर लुकिंग फॉर कि यार अच्छा आपकी जो प्रोफाइल में और मैं आपको बता देता हूँ गूगल की पब्लिकली नोन है सो इट्स नॉट समथिंग इंटरनल कि गूगल आपको किन इंटरव्यू में ना वो क्या चार चीज़ें आपको पूछता है गूगल के चार वर्टिकल्स हैं एक है रोल रिलेटेड नॉलेज जिस रोल के लिए आपने अप्लाई किया उसमें आपकी वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे सीनैरियोज देंगे आपको बताएंगे आप रोल को जो है ना कैसे समझते हैं है। दूसरा हो गया है फनी वर्ड जिसको हम कहते हैं गूगलीनेस ठीक अच्छा। है वो है कि जी अच्छा डू यू गो अब एंड बियॉन्ड आप क्या जो है ना इनिशियटिव आप क्या करती हैं आप इन इन्बिगटी को कैसे हैंडल करते हैं क्या आप थोड़े से यू you नो know, आपका कल्चर फन लेंगे आप बहुत सीरियस तो नहीं है यू नो दीज कांगस प्रेक्ट करेक्ट ये सारी जो है सो so, एक हो गया रोल नॉलेज दूसरा हो गया गुगलीनेस एक है उसमें फिर हाँ लीडरशिप लीडरशिप में दे वेरी स्पेसिफिक कि यार अच्छा आपने तो नौकरी अपनी पहले की लेकिन अबव एंड बियॉन्ड क्या किया सो so, उसमें वो जो पूरा वॉल्टियर मेरे ख्याल से मेरा जो सारा वॉल्टियर वर्क था पिछले सारे साल वाला दैट जस्ट स्टैंड आउट बिकॉज उसमें आप दिखा सकते हैं देखिए नौकरी में ना आपको कोई पूछता है तुमने क्या किया आप कहेंगे मैंने ये काम किया आप कहेंगे जी हंड्रेड पूरा किया लेकिन आपके साथ अब कंपीटिंग कैंडिडेट है उसने छतें फाड़ दी काम किया। उसने डिग्री से ज्यादा काम किया उसने थाउजेंड परसेंट काम किया हाँ। और गूगल जैसी कंपनी में यही होता है कि जब आप कंपीट कर रहे होते हैं और कैंडिडेट्स के साथ सो so अगर आप नहीं सिलेक्ट होते इट्स इट्स नथिंग अगेंस्ट यू दैट अदर कैंडिडेट मच मोर स्ट्रॉन्गर उसने बहुत ज्यादा इस तरह के काम किए हुए थे आ, और लास्ट उसमें जो पॉइंट है रोल रिलेटेड नॉलेज नंबर वन था सेकेंड था गूगलीनेस थर्ड था लीडरशिप फोर्थ जो है जो कि थोड़ा सा मुझे जरा हमेशा जो है ना वो जरा ट्रिकी लगता है उसको कहते हैं गूगल गूगल कहते हैं जर्नलिटिव अबिलिटी जी सी ए है ये भी पब्लिकली नोन है जाके उस पर जो है ना आप YouTube पे जाएंगे तो आपको उसके काफ़ी चीजें मिल जाएंगी उसमें Google देखता है कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन में हमने डाला जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप क्या करेंगे सो फॉर एग्जाम्पल गूगल इस तरह का सवाल पूछेगा एम्बिगस सवाल होते हैं है। कि जी सुंदर पिटाई हैं वो आते हैं पाकिस्तान में और वो कहते हैं मैंने इन्वेस्ट करना है इट्स अ वेरी वेग क्वेश्चन मैंने इन्वेस्ट करना है हाउ वुड यू अप्रोच दैट क्वेश्चन अब वो बड़ा ओप इंस्टेंटली जवाब देना होता है इंस्टेंटली जवाब नहीं देना होता सो दट द फर्स्ट थिंग जो आपने ये बिकॉज इंस्टेंटली जवाब देना इज बिट ऑफ रेड फ्लैग आई टेल यू वाई बिकॉज जो इंस्टेंटली जवाब देते हैं ना वो उसको गूगल में समझा जाता है कि यार इसने ज्यादा समझा या सीखा या सवाल नहीं पूछे इन फैक्ट आई टेल यू दिस ये एक बड़ा बड़ा क्लियर सा ब्लैक एंड वाइट वो होता है कि पीपल हु रिस्पॉन्ड राइट अवे अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि इन्वेस्ट करना और क्लियर रेड फ्लैग बिकॉज वी सी ए क्वेश्चन टू थिंक बेशक अनकंफर्टेबल हो जाए इंटरव्यू पर आपने कहना है कि मुझे टाइम चाहिए सोचने का जवाब थोड़ा सेन देना बहुत सोच के आपने जवाब को सवाल को पहले क्लैरिफाई करना है कि यार, उसने करना है? उसने, में करना है? उसने किसी और आपने सुंदर भी गेट होल्ड द स्पेस गेट्स अनकंफर्टेबल मैंने इंटरव्यूज दिए हुए गूगल के बड़े मुझे पता है कि जिसमें जो है ना लाइक like आई पांच मिनट में बिल्कुल म्यूट पे चला गया और फिर जो है ना मैंने उसका प्रिपेयर किया यू हैव टू थिंक लाइक अ कंसल्टेंट तो ये मैंने एक और वो तेल देखा है जहां पे आप सबसे अनकम्फर्टेबल हुए थे इंटरव्यूज में हाँ। यार ये वाले जो जी सी ए वाले होते हैं सो जी सी ए वाले क्या पूछा गया था? मुझसे पूछा गया था कि जी हाँ 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 मुझसे जो मेरी एक्चुअली स्किप लाइन जो है ना लीड है नोप्राट नाम है उनका शी इज़ एन अमेजिंग लेडी आई थिंक वन प्रॉप्स टू हर की शी मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल उन्होंने मुझसे पूछा था कि जी अच्छा यूट्यूब है यूट्यूब के सर्टन नंबर ऑफ यूजर्स हैं पाकिस्तान में ठीक है आपने डबल करने हैं यूजर डबल करना है हाउ डू यू अप्रोच दैट प्रॉब्लम सो इट्स अ वेरी ओपन एंडेड इट्स अ वेरी ओपन एंडेड प्रॉब्लम इट इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन मोर आपने ये पूछना है कि यूट्यूब के फ्री यूजर्स ज़्यादा करने हैं पेड यूजर्स ज़्यादा करने हैं पाकिस्तान में ज्यादा करने हैं किसी सर्टन सेगमेंट में ज़्यादा करने मोबाइल के ज्यादा करने हैं यू नो टी वी के ज्यादा करने हैं क्योंकि टी वी पर भी वो यूट्यूब स्मार्ट टीवीज में आ गया है ठीक uh, है अच्छा मेरे पास मैंने फ्री में ज्यादा करने हैं या मुझे कोई बजट असाइंड है ठीक है सो सी आई एम नाउ ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन इन टू लाइक मोर लाइक स्मॉलर क्वेश्चन जब वो इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी फिर उस पर मैं थोड़ा सा थॉट प्रोसेस और लगाऊंगा जीसीए क्वेश्चन आपने जब भी आपके पास आता है ना लाइफ में जीसीए क्वेश्चन हर टेक कंपनी आपको जीसी क्वेश्चन लाजमी पूछेगी इट्स ऑलवेज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन उसमें आपने जो है ना यू हैव टू हैव अ फ्रेमवर्क रेडी कि मैं क्या क्या करूंगा क्योंकि उस वक्त नहीं आपने सोचना कि अच्छा मैं अब क्या करूं मैं जवाब दे दूं या मैं ना दूं या मैं पहले आपने एक फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क यूज लो यू हैव टू बी वेरी काम बिकॉज मेरा ये बहुत मसला था यूज टू जम्प इन टू आंसर्स एंड आई क्यूड नॉट होल्ड द स्पेस तो अब मैं थोड़ा सा मेरी आदत हो गई है तो मुझे पता है कि सबसे पहले आपने यही करना होता है आपने जो है ना क्लैरिफाई करना है सवाल को आपने उसको फिर आगे से जो है ना ब्रेक डाउन करना है इन स्मॉलर क्वेश्चंस एंड देन पिक और साथ साथ हाँ ये बहुत जरूरी है कि आपने जो इंटरव्यूअर है उसको कम्युनिकेट करना है कि मैं मेरे दिमाग में ही चल रहा है दिस इज अनदर वेरी थिंग जो मैंने थोड़ा सा देखा है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो ना है ना थोड़ी लैक करती हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है और वो डरते हैं कि वो कहेंगे कि ये इस तरह हो जाएगा या इस तरह आ, कर दो आ, लेकिन आपने बताना तो मैं correct, 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 हाँ। है करेक्ट 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 सो उसी में तो आपने पूछना है जीसी में तो आपने पूछना है कि यार अच्छा मैं और सवाल को कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो आपको बहुत सारी सिचुएशन से वैसे भी निकालता है और आपका इम्प्रेशन आपकी इमेज बहुत बेहतर होती है क्योंकि अगर आपको नहीं भी पता या आपको लगता है कि मैं डम साउंड कर सकता हूँ तब भी अगर आप कॉन्फिडेंटली पूछ रहे हैं तो एटलीस्ट आप रेड फ्लैग तो साउंड नहीं करेंगे करेक्ट <laughs> और एक मैं आपको एक टिप देता हूँ विच चेंज माई लाइफ मेरी एक गूगल ने स्टोरी भी पब्लिश की हुई है और मैंने उस पर भी जो है ना वो पब्लिश किया वो, वो ये है कि मैं जब इंटरव्यूज पहले देता था ना गूगल के काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने फेल भी किए हैं मैंने फेसबुक शेसबुक के भी काफ़ी इंटरव्यूज फेल किए मैं पहले सो दिस वॉज माय फर्स्ट अटम्प्ट लेकिन उस उसमें मैं देखता था कि मैं लिखता था हाथ से जो है ना आई यूज़ टू टेक अ नोटबुक पहले तो बात है अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और अगर आप नोट टेकिंग नहीं कर रहे तो आप बेशक इंटरव्यू ना दें क्योंकि यू नो दैट्स लाइक द फर्स्ट प्री रेजिड फॉर गिविंग लाइक अ वेरी हंड्रेड मतलब विद वि बिग कंपनी लाइक दिस यू हैव टू टेक नोट्स एंड यू नो दैट्स हाउ यू गिव एन इंटरव्यू मैं गलती ये करता था कि मैं जो इंटरव्यूज़ देता था मैं देता था आ, हैंड राइटिंग पर मैं नोट्स ले लेता था मेरी हैंड राइटिंग एक तो बड़ी बुरी है और मैं ना बहुत नर्वस फील करता हूँ वाले आई राइट डाउन आई थिंक आई नो आई एम वेरी गुड विद फास्ट टाइपिंग तो मैंने एक कि ही किसी से मैं मैंटरशिप ले रहा था उसने कहा यार तुम्हें क्या मसला है कि तुम गूगल डॉक खोल लो तुम गूगल डॉक पे लिखा करो जो वो कह रहा है मैंने कहा वाकई मैंने पूछा ही नहीं किसी से मैंने जब से इंटरव्यूज़ देना देना शुरू किए थ्रू लाइक अ ब्लैंक गूगल डॉक

नोट्स आपने लेने होते हैं कि अगला बंदा क्या क्या रहा है अब आपको मेमोरी में तो नहीं याद रहेगा ना हो सकता है आप कोई चीज़ भूल जाए तो की तो वर्ड्स तो लिखते हैं आप सवाल कर रहे हैं ओके कीवर्ड्स कीवर्ड्स ठीक है आप लिखते हैं आपने okay. उसको बताना है आपने ये कहा था मैंने इसके बारे में सोचा उससे उसको इंटरव्यू को लगता है कि यार दिस पर्सन इज अ वेरी मेटिकलस पर्सन इट अगेन रिमाइंड मी ऑफ माई 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 लेट डैड उनके बारे में बहुत मशहूर था एक फ़नी चीज़ है बट आई एम शेयरिंग बिकॉज इट्स रियली रियली गुड एंड आई थिंक दैट्स वेर आई गॉट इट कि वो अगर घर में किसी को पॉलिजाइज भी करना है ना तो वो अम्मी को ना एक छोटी से पॉलिजी नोट लिखते थे और उस पर साइन कराते थे कि मैंने आपको पॉलिजाइज किया है आप एक्नॉलेज कर लें कि आपने पॉलिजी एक्सेप्ट कर ली है तो मैं अब ये करता हूँ लाइफ में कि विद माई वाइफ एवरी वन आई टेक नोट्स अगर नोट्स पे चीज़ नहीं हुई आप घर वालों के साथ मैं घर वालों, वालों के साथ भी करता हूँ व्हाट्सएप पे कर लेता हूँ या जो है ना वो गूगल डॉप पे भी कर लेता हूँ लेकिन नोट्स इज़ माई थिंग और मैं एक्नॉलेजमेंट लेता हूँ अगले बंदे से कि यार अच्छा आपने ये कहा था

इन माई वर्क विद पीपल दैट आई वर्क विद इन एवरी थिंग एंड आई थिंक वहां पर ना लोगों की भी, भी जान जाती है हमारे कल्चर में मैंने थोड़ा सा देखा है okay. कि जान जाती है ना इन टर्म्स ऑफ कि वो नोट्स इतना पसंद, लेना पसंद नहीं करते hmm. या वो नहीं करना चाहते बिकॉज इट्स इट्स अ लॉर्ड ऑफ वर्क ना कि यार हर चीज पे मैं अब नोट्स लूँ मैं बैठ के इंटरव्यू करके भी नोट्स लूँ मैं मैनेजर ने कहा उसके भी नोट्स लूँ मैं किसी पीयर के साथ काम कर रहा हूँ मैं उसके भी नोट्स लूँ मेरे साथ कोई रिपोर्टी है मैं उसके भी नोट्स लूँ तो इट्स अ लॉट ऑफ नोट्स अच्छा ये तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं वैसे मतलब आप सबसे बात करते हुए नोट्स बना रहे हो आई एम आई टेक नोट्स फॉर एवरीथिंग मैं क्यों हां आपने एक हैबिट बिल्ड कर लिया तो वो करेक्ट 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 वैसे जो जर्नलिंग का कांसेप्ट है वो वैसे भी अक्सर यंगस्टर्स को इनकरेज किया जाता है आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट फ्रॉम अली अब्दाल तो ही इंकरेज पीपल टू टू जर्नलाइज ऑफ थिंग्स तो yeah. आप लिखें तो आपको याद रहेगा yeah, yeah. पर मैं भी बनाती हूँ नोट्स लेकिन उन चीज़ों का जो मुझे लगता है कि यार ये मुझे याद जेनली रखनी चाहिए जैसे आई कंज्यूम कॉन्टेंट तो अगर मैं पॉडकास्ट देख रही हूँ या इंटरव्यू सीरीज है कोई या कोई वीडियो है यूट्यूब की जैसे मैंने कुछ सीखा या किताब में अगर कुछ पढ़ा है और सीखा true, तो true. वो चीज़ें मैं जरूर लिख लेती हूँ बट सॉर्ट ऑफ नोट्स यू आर मेकिंग दैट्स एक्सेप्शनल एंड वेरी इंटरेस्टिंग आई एम श्योर दैट अ गुड एडवाइस इंटरव्यू के अलावा मुझे ये बताएं कि आपने कोई टेस्ट भी दिया नहीं में 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 इस तरह के IQ, IQ, um, so Google में मैंने सुना है, उसके टेस्ट होते हैं हैं ना रोल्स भी बहुत ज़्यादा so मैं टेक सेल्स एडवर्टाइजिंग एप्स फॉर एप्स लेकिन इसमें गूगल डज नॉट डू दिस गूगल डज नॉट बिलीव इन दिस हाँ आई क्यू टेस्ट एंड एवरी थिंग गूगल डज नॉट बिलीव इन दिस गूगल आपको आपके जी के क्वेश्चन से आपका आई जज करता है hmm. आ, लेकिन टेस्ट वो लेते हैं सॉफ्टवेयर uh, इंजीनियरिंग में कभी कभी उनके कुछ कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें hmm. वो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो प्रोफेशनसीज होती हैं गूगल में ना रोल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टू बिग बकेट्स टेक रोल्स नॉन टेक रोल्स

कम्यूनिटीज़ इवेंट्स पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल बांग्लादेश का पोर्टफोलियो था मेरे पास इट्स अगेन अ नॉन टेक रोल क्योंकि हाँ। आपने जो है वो यही करना है कि आपने जाके कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंसिंग बहुत मज़े का रोल है लेकिन वो फ्रेमवर्क उनका वही रहेगा उसी तरह वो पूछेंगे लीडरशिप दिखाएँ रोल रिलेटेड नॉलेज दिखाओ गुगलीनेस दिखाओ जी दिखाओ वही प्रोसेस अगले वाले में भी वही प्रोसेस सो uh, so वो गूगल का एक एंड पब्लिकली नोन प्रोसेस इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग रोल इट इज़ एन इंटरेस्टिंग रोल बट मैं वापस जाऊंगी uh, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको हेड हंड ही सॉर्ट ऑफ हेड हंड किया दे, गया दे। था बट जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं या इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है उनकी uh, उनके लिए क्या प्रोसेस होगा सो so, उनके लिए प्रोसेस तो यही है जो दो तीन है जो मुझे पता है वो यही है कि एक तो आप करते हैं हाँ तीन हैं प्रोसेस जो मुझे पता है कि गूगल करता है एक तो आप पब्लिकली अप्लाई करते हैं यू कैन अपलाई ऑन द वेबसाइट कैरियर वेबसाइट अ पब्लिकली नोन वेबसाइट गूगल कैरियर्स आप जाके अप्लाई कर सकते हैं प्रोफाइल बना सकते हैं एक है कि जिसमें आपको कोई रेफरल देता है गूगलर सो दैट्स द सेकेंड वन द थर्ड वन इज के वेन आर गूगल रिक्रूटर एक्चुअली हैड हंट्स यू सो वो एक थर्ड प्रोसेस है आई थिंक इस सारे प्रोसेस में ना कहीं भी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू इंक्रीज योर विजिबिलिटी अलॉट दैट मैटर्स अलॉट क्योंकि देखो अगर आप रीच आउट भी करोगे कि किसी को रेफरल के लिए लाइक यू नो लॉट ऑफ पीपल मेरी तो अब लिंगडिन पे थोड़ी फॉलोइंग काफी ज्यादा ग्रो कर गई ऑलमोस्ट आई थिंक वन थर्टी थाउजेंड लोग हैं अब उस पर जो मुझे रैंडमली लोग कहेंगे कि जी अच्छा हम ये अप्लाई करना चाह रहे हैं इस पर तो मैं भी उसमें ये देखूंगा कि अगर मुझे दस लोग कहते हैं तो उसमें से एक प्रोफाइल दैट आई वॉन्ट टू बेट ऑन क्योंकि मैं उनसे नहीं मिला हुआ हाँ, तो वो तो फिर दस... मैं इसी तरह देखूंगा कि यार अच्छा इसकी लिंगडिन क्या है प्रोफाइल क्या है काम क्या किया हुआ है तो अगर आप अपने आप को उस तरह विजिबल नहीं कर रहे तो इट्स डिफिकल्ट लाइक रियली रियली स्टैंड आउट लेकिन बात करी तो आई नो ऑफ कॉलिंग विदाउट एनी रेफर विदाउट एनी हेड हंड्रेड दे अपलाइड

ये मैंने ये सीखा एल बी वेरी फ्रैंक कि दिस इज़ अगेन वन ऑफ द सुपर पावर्स ऑफ ये जो बड़ी कंपनीज के पास है विच आई थिंक मेरे लिए जो सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है ना विच आई वुड नॉट ट्रेड फॉर एनी थिंग एल्स वो ये वाला एक्सपीरियंस है कि जब आप जाते हैं ना देखिए हम अपने इधर बबल में होते हैं हम सोचते हैं जो हम कर रहे हैं जो वो बिल्कुल ठीक है uh, जो है ना हर चीज़ से फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम रिलीजन हो गया काम हो गया हमें लगता है यार हम सही हैं फिर ये होता है कि जो आगे वाला बैठा है उसका भी वही रिलीजन बैकग्राउंड वो भी कहता है, सही है तो डिसकोर्स नहीं होता कि यार अच्छा ठीक है अब आपने किसी को जो है ना किसके साथ काम करना है किस तरह से अगले को बात समझानी है तो वो डिसकोर्स इज़ ऑन अ होल डिफरेंट लेवल एट गूगल इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम आई थिंक मेरा जो जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट होगा ना अगर मैं कहूँ वो ये है कि जब आप किसी के साथ बैठे हुए हैं यू वर्किंग विद अ कॉलीग हु इज़ मे बी फ्राम वियतनाम योर बॉस इज़ फ्राम सिंगापुर यूर टॉकिंग टू समन ऑन अ प्रोजेक्ट हुज़ फ्राम पोर्टुगल बट इज़ यू नो हैज़ मूव टू सिंगापोर तो वो कम्युनिकेशन का स्टाइल आप जो सीखते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस का वो अभी आप कभी भी पाकिस्तान में अलोन नहीं सीख सकते क्योंकि पाकिस्तान में ना मेरा बड़ा सिंपल सा स्टाइल हो गया था कि मेरी प्रोफाइल है अथॉरिटी से मैं लीड करता था ये कहूंगा ये किसी को कॉल करूंगा वो कर देगा थिंग्स वर इजी नेटवर्क है नेटवर्क है वो <laughs> सारा कुछ लेकिन बाहर जब आप कह रहे हैं उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान हैं आप जो है ना प्राइम मिनिस्टर के जानने वाले हैं आप कहाँ से आते हैं आपका कितना इन्फ्लुंस है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मुझे पहले बड़ा लगता था देखो लिंगडन पर मेरी इतनी फॉलोइंग है ये है वो है किसी को कोई नो बडी केयर्स वट दे केयर अबाउट इज कि आप जो अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें सब्सटेंस है कि नहीं है hmm. वो सब्सटेंस आती है आपके कैरेक्टर से hmm. really मुझे, मुझे पांच साल होने लगे गूगल में आई uh, really, है पहले मुझे लगता था मैं जाऊंगा उनको कहूंगा देखो लिंगडिन पे मेरे ये है वो है प्रोफाइल है तो कहेंगे जबरदस्त उनको नो बड़ी यू नो केयर्स उनको ये फर्क पड़ता है कि आप में सब्सटेंस है hmm. और आप में हंगर है कि नहीं है तो वो जब तक आप दिखा सकते हैं आ, औ, और दैट्स व्हाट आई लर्न इन दिस कल्चर जो कि सिंगापुर का कल्चर इज़ वेरी एशियन सो एशिया के बहुत ज़्यादा लोग हैं साउथ एशिया से लेके बाकी एशियन कंट्री से वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया इंडोनेशिया सिंगापुर यू नो अदर कंट्रीज इज़ वेल लेकिन फिर बाकी यूरोपियंस बहुत हैं यू नो यू से बहुत ज़्यादा लोग हैं uh, तो ये तीन तरह से हम डिवाइड करते हैं ए पैक एंड अमेरिकाज़ ठीक है तो ये तीन बेसिकली दैट्स हाउ गूगल ऑपरेट्स वर्ल्ड वाइड एंड देन लिविंग विद डिफरेंट कल्चर्स एंड यू नो लैंग्वेजेस भी हैं डिफरेंट बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं तो वो रहन सहन की अगर मैं बात करूं या फूड फॉर एग्जाम्पल हमारा तो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है ना फूड तो वो आपकी प्रायोरिटीज़ किस हद तक चेंज हुई या क्या आपने absorb किया वो लर्निंग्स बताएं चेंज लाइफ क्योंकि अभी आप मुझे इस तरह देख रही हैं सो आई आई एम एम जीज लेस आई वॉज सिक्स मंथ्स बिफोर तो मेरा मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट भी किया लिंगडिन पर और बाकी जगह पर भी पीपल हैव सीन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी तो नाव आई एम वेरी मच इन टू लाइक अ वेरी बैलेंस डाइट और यहाँ पे बल्कि आके मैं दोबारा जो ना खाने खा रहा था जो हमारे लोकल होते हैं तो मेरे थोड़ा ज़्यादा डाइट ऊपर नीचे तो हो गई थी मिस करते होंगे मिस भी करते हैं हाँ। लेकिन आई थिंक डाइट मेरी काफ़ी चेंज हो गई है लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया बिकॉज आई वॉक अलॉट देयर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्ट्रेनिंग करता हूँ uh, well. फूड yeah, में ये होता है गूगल का फूड भी काफी मशहूर है तो वो उसमें ये होता है कि साउथ ईस्ट एशियन फूड होता है काफ़ी ज्यादा जिसमें फिश होती है फिश मुझे बहुत पसंद है और फिश yeah, के साथ masalas, right? हाँ हाँ ये एक चीज़ होती है कि जो मसाला है ना वो मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि खाने वैसे तो होते हैं मिल जाता है हर तरह का खाना भी कभी कभी इंडियन पाकिस्तानी खाना भी होता है लेकिन आई ट्राई टू मेन्टेन माई डाइट एंड आई ट्राई टू कंज्यूम मोर के यार इतनी पकी हुई वो ऑयल वाली इस तरह की you know, मसाले वाली चीज़ ना हो hmm. ना वो जो है ना उस तरह स्टीम्ड हो या hmm. इस तरह हो hmm. अब चावल मुझे यहाँ पे आके जो है ना बिरयानी ये नहीं मैं रोज़ खाऊंगा मैं आई विल बी वेरी कॉशियस क्योंकि

लाइक फ्राम द कल्चर यू मीन हाँ ओवरऑल आई थिंक यही वाली चीज़ें कि जो कल्चर होता है इट्स बियॉन्ड दिस वर्क इट इज़ अ लॉर्ड ऑफ अदर थिंग्स इज़ वेल एंड आई थिंक दैट्स वेर कंपनीज़ हैव एन अपर्चुनिटी टू रियली क्रिएट अ कल्चर यहाँ पर कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने क्रिएट किया है या वो भी क्रिएट कर रहे हैं लेकिन कल्चर इज़ कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफस्ट काफ़ी मशहूर जो है ना ये वो कोट है आई थिंक दैट मेक्स अ लॉर्ड ऑफ सेंस बिकॉज hmm. वो जो है ना वो आप डोमिनेंट हो जाता है इन हाउ यू वर्क एंड आई थिंक कल्चर पे ना पाकिस्तान को काफी काम करने की जरूरत है कल्चर uh, पे स्पेसिफिकली क्या होगा देखिए अब आम यहाँ पे जो बच्चा है जब वो जाता है उसपे uh, किसी भी कंपनी में काम करने पे तो उसका मेन होता है कि यार उसकी अच्छा मुझे मिल जाए सैलरी uh, मिल जाए जो कि मेन है ऑब्वियसली पैसे आने लेकिन सैलरी के बियॉन्ड आप किस तरह से जो है ना उसको क्या इक्विटी दे सकते हैं क्या आप उसको जो है ना कोई और तरह के पर्कस दे सकते हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट

हेल्थ एंड वेल बींग पे यू हैव टू लाइक रियली प्रायोरिटाइज दैट फिर इंप्लॉइज फील यू नो मच मोर कम्फर्टेबल साइकोलॉजिकल सेफ्टी तो ये कुछ चीज़ें कुछ कंपनीज आई थिंक करती हैं यहाँ पर भी कम लाइक आपको इतना लाइक हमेशा आइडिया नहीं होगा पब्लिकली लेकिन कंपनीज हियर डू इट एज वेल एंड यू नो दैट्स बट इट्स अ टू वेज ट्रीट के एम्प्लॉय फिर तब कंपनी का ख्याल करेगा कंपनी जब एम्प्लॉय का ख्याल करेगी तो इट गोज़ बोथ वेज बट आई थिंक वो कुछ कल्चर्स हैं यू कल्चर से जो मैंने सीखा है जो आई थिंक यहाँ पे हो सकते हैं अपलाई मे बी आई डों और इस तरफ क्यों फिर सो आई थिंक ये वो ही होता ना कि जिस तरह वो क्या इधर भी कोर्ट एक याद आ गया मुझे कि वो यू नो वेन यूर ऑफर्ड अट यू डोंट आस्क विच सीट तो यू नो सॉरी वैन यूर ऑफर्ड अ सीट इन अ रॉकेटशिप यू डोंथ सीट नाइ जस्ट गेट ऑन तो अब गूगल जैसी कंपनी इज टेक्निकली लाइक अ रॉकेट शिप और यहाँ पे मैंने मैंने भी खुद देखा कि यार जो स्केल है जो अपॉर्चुनिटी टू लर्न और जो अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट इम्पैक्ट दैट इज मोर थाउजेंड परसेंट मोर जो मैं अपने स्टार्टअप में कर रहा था um, और मैंने यहाँ पे यही देखा देखाउंटलेस एग्जाम्पल्स वे पाकिस्तान में आपको बहुत लोग मिलेंगे जिन्होंने पहले अपना स्टार्टअप किया बट देन दे इवेंचुअली वेंट एंड वर्क फॉर बिग टेक कंपनीज तो so, आई uh, और यहाँ पे वो भी है कि स्टार्टअप जो है ना एक आइडिया है तो डोंट बी मैरिड टू दैट आइडिया के बस आपने लेके उसको जो है ना वो यू नो यू गोइंग टू गो थ्रू इट थ्रू योर लाइफ यू शुड फोकस ऑन द इम्पैक्ट पार्ट आपको क्या करना पसंद है आप वो किस तरह से करेंगे ये बिल्कुल उसी तरह जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि यू नो यू रनिंग हासिल यू डूइंग दीज अमेजिंग स्टोरीज़ कल आपको आके गूगल कहता है कि यार ओ यू नो वी हैव अ रोल ओपन यू वन डू स्टोरीज इन पाकिस्तान वुड यू वन वर्क विद आस यू नो यू वुड वॉन्ट अ गो फॉर दैट बिकॉज आपका इम्पैक्ट कितना स्केल हो जाएगा उस ब्रांड के साथ या उस अपॉर्चुनिटी के साथ गूगल आता है कल को कोई और भी ब्रांड आता है इसी तरह का सो so पॉइंट आपका जब इम्पैक्ट पे दिल हो ना फिर आपको इतना नहीं मैटर करता कि यार डेमो नाम था गूगल नाम था कल को गूगल भी नहीं होगा खैर कोई और हो हाँ. लेकिन आपका इम्पैक्ट रहता है और उस पर वही है कि कल को जो अपॉर्चुनिटी मिले वापस आने की और इसी इम्पैक्ट के लेवल पर काम करने की क्यों नहीं वाई नॉट आई डू इट क्योंकि यू आर नॉट मैरिड टू द आइडिया और द ब्रांड यू आर मैरिड टू दी आइडिया कि भाई काम करना है घर चलना चाहिए रोज़ी रोटी चलनी चाहिए ठीक है बच्चे खुश रहें फैमिली खुश रहे और इज़्ज़त बनी रहे और साथ साथ आई गेट टू डू आई डू वेक अप एवरी डे विद लाइक वेरी इम्पैक्टफुल वर्क ये फ्रेमवर्क होना चाहिए hmm. ये ज़्यादा आपने दिल नहीं लगाना कि जी ब्रांड नेम ये है या जो है ना मुझे स्टार्टअप कॉम्पिटिशन मैंने जीत लिया या मुझे फंडिंग मिल गई

देखिए मैं भी एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था विच इज़ यू नो लिविंग टू द हंड्रेड के जो लोग सौ साल से ऊपर की ज़िंदगी गुजारते हैं उस पर पूरी रिसर्च हुई है तो उनका यही होता है उनकी क्या होता है उनकी एक तो पहली बात है लेकिन you know, खुराक यू नो हेल्थ हैबिट्स अच्छी होती हैं साथ उनका ये होता है कि दे वेक अप एवरी डे विद अ सेंस ऑफ परपजस दे आर लिविंग वेरी क्लोज़ टू दे कम्युनिटी तो फ्रीडम तो ये है कि अगर मैं रोज़ उठ रहा हूँ मेरी फैमिली मेरे साथ है मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं मेरा जो इकोनॉमिक निज़ाम है रोजी रोटी वो चल रही है तो ये फ्रीडम है तो फिर आप चॉइस नहीं कर सकते कर सकते है। और हमने, टेक में देखा है, हमने अभी टेक का डाउन टर्न चल रहा है हमने देखा कि लोग जो है ना वो काफी उससे गुजरे की अच्छा उनका उनकी जो आइडेंटिटी थी वो उनका काम था और इवन दो आपको मेरे सामने मेरे लेंडन पे भी लगेगा कि यार आइडेंटिटी मेरी गूगल है जो कि काफी हद तक बन भी गया है लेकिन मैं रोज़ उठ के जो है ना अपने आप को बल्कि वो एक मैं वो दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे एरोगेंस तकबर से ज़रा बचाए और मुझे जो है ना किसी के इस तरह दिल ना लगाए मेरे के साथ किसी ब्रांड के साथ के बाद में मुझे जो है ना दैट आई डोंट वांट दैट क्यों और ख़ास तौर पर जो करंट इकनॉमिक डाउन टाउन वर्ल्ड वाइड चल रहा है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए रोज़ उठें देखें आपको क्या करना पसंद है उसका इकनॉमिक जो है ना वो किस तरह से आप उससे रोज़ी रोटी चला सकते हैं वो काम करें जिधर मर्जी करें घर में करें बाहर करें

क्या अच्छा बुक का नाम इलोन मस्क है हाँ ऑटोबायोग्राफी बाईस विद गेम वो बहुत ज्यादा गेमिंग करता है फिर मुझे याद आया यूनिवर्सिटी टाइम पे आई यूज ऑफ गेमिंग वो दिन और आज का दिन माई वाइफ इज वेरी कंसर्न बिकॉज आई डू अ लॉर्ड ऑफ गेमिंग नाउ ये कुछ छह महीने की बात है छः महीने से आई एम ऑबसेस्ड मैं अपने फ्री टाइम में मैंने वो स्टीम डेक लिया हुआ इट्स अ इट्स अ लाइक गेमिंग कॉन्सोल ऑन द गो मोबाइल कौनसोल है तो मैं गेमिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ बहुत ज़्यादा ऑन द गो सो नॉट अटैच टू अ पी सी वो मोबाइल कॉन्सो okay, okay, okay. है okay, okay. और बहुत ज़्यादा करता हूँ फ़्लाइट्स पर भी घर में भी मम्मी के साथ बैठे हुए या उधर वापस सिंगापुर में हुआ तो जो है ना बच्चों के सामने लाइक आई डू अ लॉर्ड ऑफ गेमिंग लगा दिया है आपने बच्चों को भी लगा दिया मेरी बेटी भी खेलती है गेमिंग बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स फिर Uh, hmm. कोई यू नो सीरीज आई भी हुई कोई यू uh, नो you know, इस तरह की कोई मोटिवेशनल uh, या yeah, वैसी कोई यू नो फिक्शनल नेटफ्लिक्स गेमिंग यार सीरीज आजकल को एक तो होती है वो वैसी यू नो माइंड जो है ना वो नम सीरीज जिसको वैसी जो है ना लाइक like, uh, कोई इंस्पिरेशनल नहीं है it's लेकिन it's आजकल entertaining, कोई एंटरटेनिंग हाँ।, हाँ आजकल कौन सी नेटफ्लिक्स पे नेटफ्लिक्स में वैसे बहुत है एक थ्री बॉडी प्रॉब्लम है एक आजकल आईवी वेरी फेमस वन हाँ वो मैं आजकल देख रहा हूँ हाँ। uh, फिर एक मैंने हाँ हाँ साईफाई हाँ, है तो वो मैं आजकल थोड़ा सा देख रहा हूँ और मैंने कहा नेटफ्लिक्स पे ना आजकल मेरा टाइम जरा कम हुआ आजकल मेरा गेमिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा हुआ हुआ है तो मेरा स्विच होता रहता है बट यूजली तौर पे आपको बेस्ट शो या बेस्ट सीरीज याद हो के यार ये टॉप थ्री है अगर पूछे तो आप वही रिकमेंड करेंगे करेंगे यार इस पे मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि मेरा मेमरी का ये प्रॉब्लम है अनलेस मैंने कहीं लिखा हो ना बड़ा क्लियरली कि यार मैंने <laughs> ये देखा था यू नो दिस इज बड़ आई लाइक् बट आई कीप लेटली तो मैंने कोई फिक्शनल शोज देखे हैं नथिंग दैट वॉज वेरी माइंड बेंडिंग

अपने आप को कैसे अपनी स्पेस देनी है और उसके बगैर गुजारा है भी नहीं बिकॉज़ यू नीड टू आई डू अ लॉट ऑफ कोचिंग मेंटरिंग विद स्टार्टअप्स एज़ वेल ओके ओके या मुझे कोई इस तरह के शौक चढ़ता है तो उससे फिर आपके नए क्रिएटिव जूसेस फ्लो करते हैं तो आई लव टू डू दैट एज़ वेल या या अनदर क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक कि किसी भी इंसान की इमोशनल uh, स्ट्रेंथ उसके करियर में कितना रोल प्ले करती है और उस इमोशनल स्ट्रेंथ से उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी रिलेटेबल है बिकॉज आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट सिंस लाइक पास वीक और टू क्योंकि मैं कुछ किताबें पढ़ रही थी जिसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंशन है आपका एक्सपीरियंस उस पर क्या है सो देट इज़ अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ़ हाउ यू नो यू कनेक्ट योर इमोशनल स्ट्रेंथ टू योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आई थिंक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मैं ई क्यू पर बात करूँगा इमोशनल वाले पार्ट पे hmm. मुझे लग रहा है ई क्यू तो आपकी एक ऐसी कोर स्किल uh, है या वैल्यू है जो आपको लाइफ में हर चीज़ में चाहिए होगी तो यू हैव टू लाइक रियली रीड ऑन इट कि आप अपना ई कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं उससे फिर फायदा ये होगा कि आपकी ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी और भी चीज़ें डेवलप होंगी उसमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एक पार्ट हाँ। है लेकिन ई से ना आपका जरा लाइफ में आ जाएगा सबर आपको पेशेंस मिलेगी आपको पता लगेगा कि कैसे मैंने वो वो भी कोर्ट है ना बड़ा मशहूर के ऑफ लाइफ इज़ या वो लाइक यू नो जब आ, जब भी आप पे कोई चीज आती है तो हाउ यू रिएक्ट इट टू वर्ड इटने रिएक्ट कैसे किया हाँ, वो आप इक्यू से सीखते हाँ, हैं मैंने लाइफ में जो है ना आपने ये सीखा है कि आप सबर कैसे लेके आते हैं चीजों को स्ट्रेटिजिक थिंकिंग अगेन गोइंग बैक टू इट कि इटने ना होल्ड द स्पेस थिंक अबाउट इट कनेक्ट द दॉट्स जल्दी ना करें हाँ, मैं अब आपको एक मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ एक मुझे इसी तरह पेट प्रोजेक्ट सूझा अभी पिछले कुछ तीन महीने में मुझे इस तरह की बड़ी चीजें सोचती रहती हैं कि यार मैंने लिंगडिन पे इतनी प्रोफाइल डेवलप कर ली है मैं अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए क्या करूं हाउ डू आई टेक माय इंपैक्ट फ्रॉम वन ट्वेंटी के फॉलोअर्स टू अ मिलियन पीपल ठीक मैं बैठा मैंने सोचा है। मैंने कहा यार अच्छा अब मैं डेली जॉब में क्या करता हूँ मैं ऐप्स को हेल्प करता हूँ तो या मैं कोई ऐप बना लूँ ये हो सकता है या ये ये हो सकता है कि कुछ और हो सकता है सो so, मैंने ये नहीं किया मैंने जंप नहीं किया कि मैं जो है ना फ़ौरन से कर दूँ मैं रोज़ सोचता हूँ तो मेरी रोज़ आजकल कल बल्कि मैं इस्लामाबाद आया हूँ तो मम्मी पूछ रही होती है तुम तो रोज़ रात को बैठ के ना तो आई डू फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन में आई एम वेरी क्रेजी विद डॉक्यूमेंटेशन तो पिछले अभी कोई आई थिंक दो हफ्ते से मैंने उसके डोमेन शॉर्टलिस्ट किए मैंने मेरे ख्याल से कुछ सौ होंगे जिनको मैंने पढ़ा कि यार अच्छा एस किसकी अच्छी होगी कॉन्टेंट किसका अच्छा होगा अच्छा अगर मैं हैबिट्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें वो तो नहीं कवर होगा जो ये है तो या मैं हैबिट्स की बात कर रहा हूँ या मैं उसकी बात कर रहा हूँ अगर मैं विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ जो मैं लिंग इन पर करता हूँ ज़्यादा तो उसमें ये चीज़ कवर नहीं होती सो सी लाइक रियली यू नो स्पेंडिंग टाइम ऑन दीज थिंग्स एंड गोइंग बैक टू ई क्यू ना कि आपको यू हैव टू होल्ड द स्पेस ये नहीं जल्दी करनी कि यार चलो बस कर देते हैं करके टाइम स्पेंड फिर एक टाइम पे जब जो आपने सोचा फिर आप उसको लॉन्च करते हैं इस तरह की चीज़ों को और फिर आप देखते हैं और रियल लाइफ में भी आपका इस तरह ही होता है फाइनेंशियल uh, स्ट्रेंथ में भी अब इसी तरह आप कह रही थी तो मैं जिस तरह आई इन्वेस्ट अ लॉट इन क्रिप्टो ओके तो क्रिप्टो में अब आपका जो है ना इट्स क्रिप्टो में अब आपका वो दिल आपको क्या आप किस तरह से ईक्यू बहुत होना चाहिए इमोशनल स्ट्रेंथ पे मैं यही कह रही थी कि रिस्क लेना जो है चाहे वो क्रिप्टो हो फाइनेंशियल डिसीजंस तो चले बाद की बात है और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पिक करने के टाइम पर भी अगर आप रिस्क नहीं लेते ना टाइम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं जैसे मैं देखती हूँ इंटर्न को या जूनियर्स को कि अगर ट्रैवल करके बहुत दूर जाना है तो अलग नहीं घर के पास होनी चाहिए नौकरी सेकेंड थिंग अगर आ, उस एम्प्लॉयर के बारे में ज्यादा पता नहीं है आ। या आपको आपके इमीडियट बॉस के बारे में ज्यादा पता नहीं आई नो थिंग्स कैन बी टॉक्सिक इन फ्यूचर लेकिन मैं बहुत ज्यादा इंकरेज करती हूँ जूनियर्स जो मेरे हैं उनको रिस्क लेने पे, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जिसमें इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है और जो रिस्क नहीं लेता उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ uh, भी कहीं ना कहीं वो डैमेज हो जाती है ट्रू मैंने पता नहीं आपके पॉडकास्ट पर सुना था किसी, या किसी और वेरी मच वेरी मच रिलेट टू दैट क्योंकि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं बेशक वो जॉब का हो इन्वेस्टमेंट का हो ट्रैवल करने का हो जिंदगी में कोई भी डिसीजन है अगर उसमें calculated risk. Calculated risk के साथ, अगर उसमें डिसकम्फर्ट नहीं है ना तो आर नॉट एक्सप्लोरिंग आप ना सही तरह से ट्राई नहीं कर रहे चीज़ें और आप अपने आप को सही तरह से एक्सप्लोर नहीं करेगी बिकॉज और ये मैंने गूगल से बहुत ज़्यादा लोगों से सीखा है कि इन एवरी डिसीजन देट यू मेक इन लाइफ देर नीड्स टू बी अ पोर्शन ऑफ डिसकम्फ़र्ट और मेरे साथ तब था जब मैं सिंगापुर मूव हो रहा था या इस रोल में आ रहा था मैंने जिंदगी में कभी टेक्स सेल्स नहीं की थी ऐप्स जिंदगी में मैंने पहले यूज़ की थी लेकिन उसकी वो क्या होता है प्रोडक्ट गूगल एड्स ऐप्स और ये सारा पता भी नहीं थी मुझे तो अगर आप अपने डिसीजन में डिसकम्फर्ट ले रहे हैं तो गुड आपको पता है कि यार अच्छा इसमें मुझे तंगी होगी लेकिन आई लर्न समथिंग न्यू लेकिन अगर डिस्कंफर्ट नहीं ले रहे तो फिर आप जिधर कम्फर्ट में हैं आप उधर ही कम्फर्ट में रहेंगे सारी जिंदगी और फिर आप एक दिन होंगे फोर्टीज़ या फिफ्टीज़ में और आप कहेंगे यार अच्छा बस नहीं लिया बट गुड पीपल पुट देम सेल्व इन वेरी स्पेस ऑफ ट डिस भी अंग्रेजी का लफ्ज है वो देख लेफर्टेबल सिचुएशन बट देर हैजू बी ना वो पेन आपको फील होनी चाहिए कि यार अच्छा नहीं ये तो ये मुझे तो तंग कर रहा है दैट तंगी विल हेल्प यू ग्रो इन लाइफ आई थिंक इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग कुछ और आखिरी सवाल ज्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका

मोमेंट्स uh, जिसमें ना आपको वाकई फील हो रहा होता है कि यार अच्छा ये वेरी चाहिए बहुत चैलेंजिंग है एक तो जो आजकल हो रहा है ना इस वक्त वो है करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड वो बहुत डिस्कम्फर्ट में डाल रहा है टेक कंपनीज को टेक कंपनीज़ को कह रहा है कि यार अच्छा अपनी वर्कफोर्स को रिड्यूस करो और वो उसके फिर जो है ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आते हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता कि यार अच्छा अगले छः महीने साल का प्लान चेंज हो जाएगा टीम रहेगी नहीं रहेगी वो आपको चैलेंज करता है हाँ। तो एक तो थीम वो है जो बड़ा क्लियर है कि आई थिंक वो सबके लिए है इस वक्त वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि जिसमें आप जो है ना कहते हैं यार अब हर दिन आप उठ के देखते हैं कि यार अच्छा जो है ना वट वी डू नाउ सो आई थिंक एक तो वो करंट क्लाइमेट से भी हम सारे गुजर रहे हैं एक मेरे साथ पहले था कि जब मैं वो स्टार्टअप से निकल के जा रहा था एक ये वाली चीज़ करने कि यार अच्छा क्या पता इसका रिवॉर्ड ज़्यादा हो क्या पता उसका रिवॉर्ड ज़्यादा हो क्या घर से दूर जा रही हैं तो यू नो वो चीज़ आपको फ़ील होती है कि यार अच्छा आप पेरेंट्स से दे दे सारी जिंदगी यहीं रहे पेरेंट्स hmm. से आप दूर होंगे रिस्क रिवॉर्ड वाली जो चीज़ है ना hmm. आप हमेशा सोचते हैं और एक अभी मैं फोर अभी मैं अगेन यू नो समिंग्स विच आर वेरी पर्सनल लेकिन मैं आजकल भी सोच रहा हूँ लॉन्ग टर्म में कि यार अच्छा जो है ना साध अब यू नो इफ आई एम गोईन हिट माय फोर्टीज अगले पाँच साल में तो व्हाट इज़ द बिग बेट दैट आई वांट टू मेक तो वो बैट मैं अभी लूँगा या अगले कुछ सालों में लूँगा वो बैट मैं सिंगापुर में, में लूँगा बाहर लूँगा गूगल के साथ लूँगा वो लूँगा एंड दीज आर वेरी आई एम ट्राइंग टू बी वेरी वालरेबल ऑन योर पॉडकास्ट क्योंकि ये ये रियलिटी है ये सब वो चीज़ें जिससे हर बंदा गुजर रहा होता है बस कोई इतना ना खुल के बताता नहीं है लेकिन हम भी इसी से गुजरें हमने भी यही सोचना है कि यार अच्छा वो बच्चे होंगे वो किधर होंगे हम होंगे वो किधर होंगे तो एक तो अभी इससे गुजर रहे हैं लेकिन प्रीवियसली मेरी लाइफ में ये थीम आया था जब मैं स्टार्टअप से कर रहा था और वो टाइम था जब मेरे अब्बू मुझे कहते थे ही वॉज वेरी काइंड कि यार तुमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की है तो तुम प्लीज़ इसकी कोई जो जॉब जो है ना वो जाके ढूंढो Uh, क्योंकि उन्होंने उनके लिए यह था कि यार इसने इंजीनियरिंग की डिग्री दी तो इंजीनियरिंग ही करेगा ना उनको क्या पता था डिजिटल मार्केटिंग क्या है या ये आ, क्या है वो क्या है तो उस वक्त फिर घर वालों को जरा समझाना कि नहीं आई नो वट आई एम डूइंग एंड इसमें ना आपकी ईगो बहुत हेल्प करती है एंड दिस इज वन वेरी क्रिटिकल पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक ईगो कैन बी वेरी बैड एंड ईगो कैन बी वेरी गुड ईगो कैन बी वेरी बैड जब आप ईगो चली जाती है वो तकबर एरोगेंस वाली साइड पे क्या आपको लगता है मुझे सब कुछ पता है मैंने सब कुछ कर लिया जिंदगी में मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है उस वक्त फिर ईगो ना आपकी आपको लेकिन वो डाउनफॉल आपका लाइफ hmm. दुनिया में जो लोगों का डाउनफॉल आया इसी पे आया है कंपनीज uh, का इंडिविजुअल्स का कि उनको लगा हमने सब कुछ सीख लिया uh. Uh, लेकिन उस ईगो को आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं इन अ कॉन्फिडेंट वे कि मुझे जितना मैंने अभी तक सीखी है चीज़ें दीज आर गुड बट देर आर मोर थिंग्स दैट आई नीड टू लर्न एंड आई नीड टू हैव क्रिएटिव कॉन्फिडेंस टू कीप गोइंग तो वो जब आप ईगो अपनी यूज करते हैं ना उस तरह स्ट्रेंथ में क्योंकि बाकी सारे लोग आएंगे वो आपको कहेंगे यार ये क्या है हसल क्या चला रही हो तुम क्या तुम ये कर रही हो यू नो उधर आपकी फिर वो ईगो हिट करती हुई कहती है लॉर्ड ऑफ वो जो आइसबर्ग होता है ना उसके पानी के अंदर होता है वो है तो आई नो माई ईगो इज हेल्पिंग मी थिंक ये थोड़ा सा वेरी लो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों होंगे कुछ पास एक्सपीरियंस जा रहा हूँ बट हमेशा से रहा है कि मेरा लोगों से बात करने में तो है कॉन्फिडेंस बट yeah. ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जो काम हम कर रहे हैं जो इनिशेटिव मैंने लिए हैं ख़ुद पर भरोसा अपने काम पर भरोसा बहुत कम रहा है हमेशा बट hmm. हसल के साथ साथ और जैसे लोग आप बता रहे हैं उस तरह के लोगों को डील करने से करने के साथ साथ और इसी तरह के इंटरव्यूज़ और कॉन्टेंट कन्ज्यूम करते वक्त और इतनी सक्सेसफुल लोगों से जब भी मैं मिल रही होती हूँ या मैं सक्सेसफुल लोगों का कॉन्टेंट कंज्यूम कर रही होती हूँ उनकी स्टोरीज सुन रही होती हूँ ये सेल्फ अश्योरेंस वाली जो चीज़ है ना अगर ये नहीं हो तो आप कितने ही काबिल हो कितना ही तजुर्बा हो आपको आपकी कामयाबी कहीं ना कहीं हॉल्ट हो जाती है या उस, उस स्केल से नहीं रहती क्योंकि आपकी सेल्फ अश्योरेंस और आपका वो कॉन्फिडेंस जो कि दिखना चाहिए सिर्फ इनसाइड नहीं होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए लोगों को क्योंकि अगर आप अपने प्रोजेक्ट पर अपने आप पर खुद भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और तो कोई नहीं, नहीं करेगा एंड दैट्स वेरी ट्रू एंड इसमें जो वन लास्ट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हैविंग दैट सेल्फ एश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस बट विद सब्सटेंस मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई थिंक क्योंकि हम जिस तरह ग्रो अप करते हैं या वैसी कल्चर में भी देखा है कि सब्सटेंस नहीं है बट सेल्फ एश्योरेंस कॉन्फिडेंस क्योंकि मोटिवेशनल आपने सेल्फ एश्योरेंस का डिफरेंस ही है यही है क्योंकि वो आपने मोटिवेशनल वीडियोस बहुत देख ली या उसमें किसी आपने मोटिवेशनल गुरु ने आपको कहा कि जी बस कॉन्फिडेंस hmm. लेके आओ hmm. लेकिन कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम के साथ होनी चाहिए सब्सटेंस सब्सटेंस कैसे आएगी आपको काम करना पड़ेगा यू विल हैव टू लिव थ्रू इट रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा आपको ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन उठें और कहेंगे जी अच्छा कॉन्फिडेंस है अगर आप में सब्सटेंस नहीं होगी यू विल नॉट बी एबल टू गेट द कॉन्फिडेंस फ्रॉम पीपल अराउंड यू टू बी योर चैंपियन

आई थिंक हाँ एक तो एडवाइस क्विक जो मैं देना चाहूँगा और एक एडवाइस जो मुझे दी थी मुझे एक एडवाइस दी थी यहाँ पे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के एक फाउंडर हैं परवेज़ अब्बास साहब वेरी वेरी नोन पर्सन इन द इन द इंडस्ट्री उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी विच हैज़ ऑलवेज टक विद मी क्योंकि मैं उस वक्त ना ज़रा यंग था और वो था लाइक कि मैं खुद कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी कि यू नो जो एक यू नो यू ऑलवेज़ लर्न टू बी अ पार्ट ऑफ अ पैक अ कम्यूनिटी और वो आई थिंक काफ़ी यंग लोग जब उसमें होते हैं ना ईगो में वो hmm. इतना नहीं करते वो कहते हैं अच्छा मैं खुद कर लूँगा hmm. तो यू हैव टू ऑलवेज इट्स ऑलवेज वेरी गुड इन द लॉन्ग टर्म टू बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी अ पार्ट ऑफ अ पैक उन्होंने मुझे वुल्वस की एग्जांपल दी थी यू नो वुल्व ऑलवेज लिव हंट वर्क इन अ पैक इसीलिए वो वुल्फ का पैक कहते हैं तो एक आई थिंक वो एडवाइस थी विच स्टक विद मी करियर में भी कि आपने करियर में भी ग्रो करना है आप अकेले नहीं ग्रो कर सकते आपने सात लोगों को लेकर चलना है और जो मैं एडवाइस दूंगा लोगों को यही है बेस्ड you know, ऑन मैं यू नो जिस तरह मैं निग्न पे स्टोरीज लगा लगाता रहता हूँ खुद भी इज़ टू बी मोर विजिबल बी मोर विजिबल विद यू नो सब्सटेंस कि काम करें अच्छा उस काम को दिखाएं काम का ढिंढोरा पीटें लाजमी साथ, साथ पहले काम करें क्योंकि काम अगर करेंगे उसका ढिंढोरा नहीं पीटेंगे फिर भी मसला है काम का ढिंढोरा पीटेंगे लेकिन उसमें सब्सटेंस नहीं होगी तो भी मसला है तो ट्राई टू बी मोर विजिबल दैट्स हाउ यू नो ऑथेंटिक विजिबिलिटी